चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज बुधवार से 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो गई है। अब गणेश उत्सव का पर्व सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया है, देश भर में इसकी काफी धूम है। अब देश के हर कोने कोने में गणेश उत्सव मनाया जाता है। पिछले 2 साल के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण यह त्योहार कई तरह की पाबंदियों के साए में मनाया गया था। इस साल विघ्न हर्ता के रूप में पूजे जाने वाले भगवान गणेश की मूर्तियां देश भर में लोग अपने घरों में स्थापित कर रहे हैं। कोरोना का असर कम होने के बाद इस साल सार्वजनिक स्तर पर भव्य पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में इस पर्व की शुरुआत 1890 के दशक में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक और अन्य ने की थी। आज बुधवार से शुरू हुए 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि गणेश चतुर्थी पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति भगवान गणेश ज्ञान, सिद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। उन्होंने कामना की कि श्री गणेश के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री गणेश की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भारत और फ्रांस ने कल पेरिस में यूएनएससी और अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार साझा किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रकाश गुप्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किया। इस दल में पेरिस में भारतीय दूतावास के अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं फ्रांस की ओर से डेलीगेशन के प्रमुख फैबियन पिनोने और अन्य सीनियर अफसर इसमें शामिल रहे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई इस बैठक में भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी पर विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़े विशेष मुद्दों पर विचार साझा किए गए। इस दौरान दोनों देशों के बीच जारी साझेदारी को विभिन्न मंचों पर मजबूती के साथ जारी रखने पर सहमति बनी। इसमें आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल रहा। विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, डिप्टी स्पीकर जयकिशन रेड्डी, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह, ईटीओ गुरमीत सिंह मीथिया, विधायक दलबीर सिंह टोंग, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर, विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, एक वर्कर सहित कुल 9 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। दरअसल जिले में करीब 2 साल पहले हुए जहरीली शराब कांड के मामले में आम आदमी पार्टी के वर्करों विधायकों द्वारा उस समय जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में धरना देते हुए हाईवे जाम किया गया था। तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। माननीय अदालत में चल रहे केस संबंधित बीती 26 अगस्त को गैर उपस्थित होने संबंधित दी गई अर्जियों को खारिज करते हुए माननीय अदालत ने 9 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके द्वारा अगली जमानत हासिल करने के लिए हाईकोर्ट की मदद लेने संबंधी तैयारी शुरू कर दी गई है। सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोटकपुरा गोलीकांड के बाद बहबल कलां गोलीकांड मामले में एक और समन जारी किया गया है। यह समन आईजी नोनिहाल के नेतृत्व वाली सीट की ओर से भेजा गया है। इसके चलते सुखबीर बादल को 6 सितंबर को सीट के सामने पेश होना होगा। सुखबीर सीट द्वारा बहबल कलां गोलीकांड के बारे में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले में भी सुखबीर बादल को दोबारा समन भेजे गए, जिसके चलते सुखबीर सिंह बादल को 14 सितंबर को सीट के आगे पेश होना होगा। होगा कि 30 अगस्त को भी सुखबीर बादल को एके यादव की सीट के सामने पेश होने के लिए समन भेजे गए थे, परंतु सुखबीर बादल ने यह कहते हुए पेश होने से मना कर दिया था कि उन्हें कोई समन नहीं मिले हैं। सीट के सामने पेश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बीच सीट द्वारा सुखबीर बादल को समन न मिलने को लेकर जवाब भी दिया गया और कोटकपुरा गोलीकांड मामले में 14 सितम्बर को पेश होने के लिए कहा गया। अमृतसर ग्रामीण पुलिस के अजनाला थाना अंतर्गत भारत पाक सीमा पर बीपीओ बोनिया में गत रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन ने दाखिल होने की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की, जिस पर वह फिर पाकिस्तान की ओर वापस चला गया। इसके बाद पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन सीमा पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं, लेकिन बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 12 से अधिक भ्रष्ट और घूसखोर अफसर
अफसरों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ और कानपुर समेत 22 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। आयकर विभाग के निशाने पर 12 से अधिक अफसर हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के कई विभागों में तैनात करीब 1.5 दर्जन अधिकारी अब इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि गुपचुप तरीके से शुरू हुई इस छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है और इसकी शुरुआत 18 जून को दिल्ली से शुरू हुई थी। अब इसकी आंच यूपी के लखनऊ और कानपुर तक पहुंच चुकी है। साक्ष्य मिलने के बाद अब औचक छापेमारी शुरू की गई। वाराणसी में गंगा और वरुणा ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ से बेहाल बनारस के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही अब गाँव और शहरों के संपर्क मार्ग पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि सामने घाट मार्ग पर पानी आने के कारण वाराणसी शहर से रामनगर का संपर्क मार्ग भी टूट गया है। इसके कारण रामनगर से शहर आने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज शहर की ओर आने वाले हजारों लोगों को 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर अब नेशनल हाईवे 2 से होकर शहरों में आना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ समय बल्कि लोगों की जेब पर भी ज्यादा भार पड़ रहा है। इन सबके अलावा दर्जनों गाँव के संपर्क मार्ग भी बाढ़ में डूब गए हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।